नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी को। किसान मेवा जिस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे, जो कि 30 अगस्त से पहले आप उन्हीं सब्जियों को लगाइए जिन सब्जी के बारे में हम बताएंगे अभी। किसान मेवा जिनको भी आप अगर लगाते हैं इस महीने में, आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट मिलेगी। किसान मेवा सही थी, हम उन्हीं फसलों के बारे में बताएंगे, 5 चुनिंदा फसलों के बारे में जिसको कि अगर आप इस महीने में अगर लगाते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट देके जाएगी। चलिए उन्हीं फटाफट से 5 फसलों के बारे में बताएंगे जो कि कम दिनों में अच्छी खासी प्रॉफिट दे और इसमें लागत कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो किसान भैया चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। किसान भैया फर्स्ट टॉपिक पे हम लेकर आए हैं इस समय पे अगेती में फूल गोभी की खेती। जो भी किसान भाई इस समय अगेती में अगर खेती करना चाहता है तो अगेती किसान में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। जैसे किसान भैया इस समय पर अनेक वैरायटियाँ हैं जो कि आपके एरिया के हिसाब से आप चुनाव करके वैरायटी का सिलेक्शन कीजिएगा। किसान भैया जैसे कि जुलाई अगर 30 अगस्त से पहले अगर आप बुआई कर देते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो अभी आप नर्सरी सीड खरीद कर नर्सरी डाल दीजिए ताकि 25 से 30 दिन आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकें। किसान भाइयों हमारी जो फर्स्ट फसल थी वो तो थी फूल गोभी की। किसान भाइयों चलते हैं हम दूसरी फसल के बारे में। किसान भाइयों दूसरी फसल हमारी इस समय पर है टमाटर की खेती, जो कि किसान भाइयों सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाला 12 महीने उगने वाला फसल है वह है हमारी टमाटर की फसलें। किसान भाइयों टमाटर की फसलें में आप इस समय पे अगस्त से पहले आप लगा दीजिए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको हम बताया था जो हमारी टमाटर की खेती सब अगस्त सितंबर में कैसे करें, वो वीडियो आपको जरूर आपको दे देखना है क्योंकि उसमें हमने वैरायटी से लेकर सभी एक संपूर्ण जानकारी बताया है किस तरीके से करनी है, किस सिलेक्शन पर मतलब कितनी लंबाई चौड़ाई करनी है, किस विधि से आपको ज़्यादा खर्च लग सकती है, इन सभी की डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस समय पे आप साहो, अभिलाष, त्रिशूल, 4266, नामधारी की इन इत्यादि वैरायटियाँ जो कि उसे सभी एरियो में मतलब सभी राज्य में यह अवेलेबल हो सकती है और उसे बुआई करके आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। ये जो किसान में वैरायटी है टमाटर की, ये वैरायटी आपको बहुत ही अच्छी खासी पैदावार दे के जाती है। किसान में दूसरी वैरायटी हम दूसरी फसल हमारी तो टमाटर की थी, तीसरी फसल के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों जो तीसरी फसल हमारी आती है इस समय पे आती है बरसात वाली मूली की खेती। किसान भाइयों जो तीसरी फसल है बरसात वाली मूली की खेती, जैसे किसान भाइयों ज़्यादातर देखते हैं आप बरसात में जो मूली की रेट है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान देते हैं मूली की खेती की तरफ तो किसान भाइयों मूली की खेती 50 से 60 दिनों के अंदर हमें हार्वेस्टिंग देती है। कुछ वैरायटी ऐसी है जो कि 30 से 40 दिनों पर हमें हार्वेस्टिंग दे देती है। किसान में आप किस वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, जो कम दिन वाली है उसकी थोड़ी जो सीड्स है वो थोड़ी महंगी पड़ती है और जो ज़्यादा दिन होती है उसकी जो सीड है थोड़ा सा सस्ती पड़ती है। तो किसान में आप किसी भी सीड्स को लेकर आप अपने खेत में बुआई कर दीजिए। बुआई के लिए अगर बात करें 1 एकड़ पर सीड्स की तो 1 एकड़ सीड्स के लिए आपको 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिसको अगर आप इस समय 30 अगस्त से पहले अगर बुआई कर देते हैं तो आपको सितंबर में आपको अच्छी खासी रेट देखने को मिलेगी। और इस समय पर अगर बात करें रेट की तो इसमें 50 रुपये से 60 रुपये किलो तक, और जैसे कि मतलब मंडी की बात करें या लोकल ग्रामीण की बात करें तो दोनों जगहों पर अच्छी खासी रेट पे बिक रही है। किसान भाइयों हमारी जो तीसरी फसल थी वो थी मूली की। चौथी फसल के बारे में हम बात करें तो वह है इसमें हमारी बैंगन की खेती की, जो कि आप जानते होंगे बैंगन की खेती एक बार बुआई कर देने पर 6 से 8 महीने तक हार्वेस्टिंग देती रहती है। जैसे कि आप अगर बुआई कर देते हैं 1 महीने में आपको नर्सरी तैयार होती है, उसके 45 से 50 दिनों बाद हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट करती है, उसके बाद 6 से 8 महीने तक उसमें से हार्वेस्टिंग होती रहती है मतलब लगातार उसमें क्या होती है बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे कि ग्राफ्टेड विधि हो गया, अन्य कोई वैरायटियाँ जैसे सामान्य विधि से अगर बुआई करना चाहते हैं तो 6 फीट की चौड़ाई और 6 फीट की लंबाई पर आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों बैंगन के लिए आप व्हाइट वाली बैंगन खेती कर सकते हैं, गुलाबी वाली लंबी बैंगन की, और गुलाबी वाली जो गोल वाली बैंगन रहती है उसको भी बुआई कर सकते हैं। अन्य अलग अलग वैरायटी के साथ अन्य अन्य जगहों के हिसाब से मतलब अपने एरिया के हिसाब से आपको सिलेक्शन कर लेनी है। किसान भाइयों ये तो हमारी 4 फसलें हो गई। 5वीं फसल हमारी और लास्ट फसल आती है पालक वाली फसल। किसान भाइयों पालक की फसल में इस समय आपको आज जानते हैं कि पालक की फसल में आपको 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो किसान भाइयों आप देर ना करें, जल्द से जल्द 30 अगस्त से पहले आप पालक की खेती अगर कर देते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेनिफिट रिजल्ट देके जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों जितने ही ज़्यादा अगर जल्दी आप करेंगे, जितने ही ज़्यादा जल्दी मतलब बुआई करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उस समय पर ज़्यादा अगर लेट होती है तो लेट में किसान भाइयों आपको लेट में अच्छी खासी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगी।
बात करें कुछ वैरायटी की, तो रोहित सीड्स की आती है उसको ले लीजिए, या तो आप अंकुर सीड्स की ले लीजिए, धरती, अन्य वैरायटियाँ हैं जिनको मार्केट में आपको अन्य अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग राज्य के हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, इन्हीं आप 5 फसलों को लगाइए जिनको कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।